हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो फॉर पेंटिंग स्टूडेंट्स 12th क्लास फोक आर्ट राजस्थानी स्कूल। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम राजस्थानी कला शैली के बारे में जानेंगे। राजस्थानी कला शैली 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक प्रकाश में रही और यह कला शैली राजस्थान के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जानी गई। इसकी कई उपशैलियाँ हैं। मेवाड़ में इसे मेवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में यह कला शैली जोधपुर कला शैली के नाम से जानी जाती है। इसी तरह बीकानेर कला शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली आदि कई राजस्थानी कला शैली की ही उपशैलियाँ हैं और यह कला शैली स्थान स्थान पर कुछ थोड़ी थोड़ी भिन्नताओं के साथ विकसित हुई और इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थानी कला शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो मैं ये चित्र आपको दिखा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राजा मानसिंह हैं जो अपनी रानी के साथ उपवन में हैं। राजस्थानी कला शैली की विशेषता है, सर्वप्रथम आप मुखाकृति देखिए बच्चों। ये इसमें जो फोरहेड है वो उभरा हुआ होता है, नोज आगे की ओर उभरी हुई, लिप्स छोटे बने होते हैं और आँखें इसमें कर्व लाइन के द्वारा उभार के साथ बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं आँखों को, आप आँखों की डिटेल को देखिए बच्चों। इसी तरह रानी की आकृति में उनके माथे पर टीका, विभिन्न आभूषण, ऑर्नामेंट्स ये आपको शो हो रहे हैं और हाथों में बाजूबंद और चूड़ियाँ। राजा को भी मोतियों के हार पहने हुए दिखाया गया है और विभिन्न आभूषणों से युक्त बनाया जाता है। तो बच्चों, हाईली डेकोरेटेड होती है, आभूषणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मुखाकृति बड़ी सुंदर बनाई जाती है, आँखें मछली की आकृति जैसी डीप कर्व्ड लाइन में बनाई जाती हैं। बालों का स्टाइल आप देख सकते हैं, जो रानी के बाल हैं, बाल बहुत पीछे से शुरू किए जाते हैं, इसमें फोरहेड का भाग बहुत अधिक बनाया जाता है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। राजा को पगड़ी से युक्त बनाया गया है, राजा मानसिंह हैं, तो इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए इनके चेहरे के चारों ओर प्रकाश पुंज बनाया गया है। बैकग्राउंड में आप बहुत ही खूबसूरत वन देख रहे हैं। तो पेड़ पौधे बनाने की आकृति में बहुत ही बारीकी का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः केले के पेड़, आम के पेड़ और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर उनके छोटे छोटे फूल भी बनाए जाते हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। और उसके भी पीछे आसमान बादलों से युक्त है, थोड़ी लालिमा लिए हुए हैं। तो ये इस कला शैली की विशेषता है। मैं आपको दूसरा चित्र दिखाती हूँ। इसमें राजस्थानी कला शैली में बॉर्डर भी बनाया है बच्चों। मेवाड़ प्लेन बॉर्डर का, मेवाड़ कला शैली में प्लेन बॉर्डर किए जाते थे, पर कहीं कहीं राजस्थानी कला शैली में अलंकृत बॉर्डर भी किए गए हैं जो मुग़ल प्रभाव से बनाए गए हैं। इसमें एक नारी आकृति को शिवलिंग की पूजा करते हुए बनाया गया है और पृष्ठभूमि में एक वृक्ष है और उस पर मोर बैठे हुए बनाया गया है। और पेड़ की जो पत्तियां हैं, विभिन्न रंगों की रंगतों के गुच्छों में पेड़ की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। और केले के पेड़ इस कला शैली की प्रमुख विशेषता है ही। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, इस कला शैली में ट्रांसपेरेंट दुपट्टा बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, ये इस कला शैली की खास विशेषता है। और फोरग्राउंड में जलाशय, कमल के पुष्प भी खिले हुए हैं, जलाशय है, पत्तियाँ हैं कमल की ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी ही सुंदर आपको दिखाई दे रही हैं। पृष्ठभूमि में नारंगी, हल्के पर्पल और हरे रंग की प्रधानता है।
अधिकांशतः इस कला शैली में विभिन्न रंगों की रंगतें लगाई जाती हैं। राग भैरवी का चित्र है ये। एक और दृश्य है जिसमें शिव जी की उपासिकाएं हैं, नारी आकृतियां वन में हैं, अपने आराध्य भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हैं, हाथ जोड़े खड़ी हैं। इस वन में आप देखिए पेड़ों का स्टाइल अलग ढंग से बनाया गया है और गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के रंग की पत्तियां डेकोरेटिव तरीके से बनाई गई हैं। ये आम के पेड़ों के गुच्छ जैसे दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक पेड़ बनाया जाता है और सभी पेड़ों के डिजाइंस अलग अलग होते हैं। ये इस कला शैली की विशेषता है। अधिकांशतः राजस्थानी कला शैली में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो बहुत ऊपर की साइड होती है। अब देखिए इसमें आपको हॉरिजेंटल लाइन दिखाई दे रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन है जो कि बहुत ऊपर है और आसमान और बादल बहुत ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पेंटिंग दिखाती हूँ आपको बच्चों। इसमें भगवान कृष्ण को राधिका से मिलने के लिए आए हैं और भगवान कृष्ण पेड़ से, केले के पेड़ के पीछे से छुप कर राधा जी से बात कर रहे हैं। राधा जी अपने भवन के बाहर खड़ी हुई हैं, उनके साथ में उनकी सखी भी खड़ी है। देखिए बच्चों ये राधा जी हैं और ये है उनकी सखी और भगवान कृष्ण को हाईली डेकोरेटेड बनाया गया है। और केले के पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं भगवान कृष्ण। केले का पेड़ की पत्तियां आप देख रहे हैं कितनी सुंदर बनाई गई हैं। भवन निर्माण इस कला शैली की मुख्य विशेषता है। और फोरग्राउंड भी देखिए बच्चों, छोटे छोटे फूल फोरग्राउंड में भी बनाए गए हैं। फोरग्राउंड बहुत ही आगे की ओर बनाया है, बहुत छोटा दिखाई देता है और हॉरिजेंटल लाइन बहुत ऊपर बनाई जाती है। ये हॉरिजेंटल लाइन और बाकी जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके लिए जो मिडिल पार्ट है वो काफ़ी बड़े एरिया में रखा जाता है। और छोटे छोटे फूल आपको बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहे हैं। गहरे हरे रंग की पृष्ठभूमि पर हल्के हरे रंग से पत्तियां और फूल बनाए गए हैं। ये राजस्थानी कला शैली की विशेषता है। राजस्थान अपने मार्बल उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो अधिकांशतः इस कला शैली में भवन भी बनाए जाते हैं। भवन की जो कला है, स्थापत्य कला राजस्थानी कला शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो चित्रकला के साथ साथ भवन भी उनके चित्रों में विषय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं राधा रानी ने, ये राधा की आकृति है, राधा रानी ने उनके समक्ष भगवान कृष्ण हैं, अपने वस्त्र भगवान कृष्ण को पहना दिए हैं। भगवान कृष्ण ने ये लहंगा पहना हुआ है और ये ओढ़नी पहनी हुई है और उनका स्किन कलर टोन नीले रंग का है। बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। और एक उपवन में दोनों राधा और कृष्ण की आकृति बनी हुई है। मोर की भी बड़ी सुंदर आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं। ये मोर है बच्चों, इनके पंख हाईली डेकोरेटेड किए गए हैं और केले के पेड़, आम के पेड़ और अन्य पेड़ पौधों की आकृतियां हमको छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रही हैं और कोई भी पेड़ की आकृति एक दूसरे से मैच नहीं करती। सभी पेड़ों के डिजाइंस अलग अलग बनाए गए हैं और बीच बीच में कुछ कलियां भी दिखाई दे रही हैं। तो इस पर गौर करते हुए हम भी इसी प्रकार से बना सकते हैं राजस्थानी कला शैली। और ये नेक्स्ट चित्र है, भगवान कृष्ण और राधा नृत्य करते हुए उपवन में बनाए गए हैं और उनके नृत्य को देखकर मोर भी नृत्य करने लगे हैं। ये मोर की आकृतियां हैं जो पंख फैलाकर भगवान कृष्ण और राधा के नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं और वो भी नृत्य कर रहे हैं। इसी तरह से ये केले के पेड़ भी अत्यधिक सुंदर बनाए गए हैं। पीछे बैकग्राउंड में
सूर्य की आकृति बनाई गई है, बहुत ही सुंदर चित्र है। यहाँ उपवन में कृष्ण और राधा ग्वालों के साथ में संगीत की मुद्रा में मग्न है। भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, राधा के हाथ में वीणा है और भगवान कृष्ण ने वैजंती माला धारण की है। उन्हें पीले रंग की धोती और पीले रंग का पटका पहने हुए दिखाया गया है। राधा को गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, लहंगा ओढ़नी पहने हुए दिखाया गया है। पीछे की ओर जो पेड़ की आकृति है वो लयात्मक है और छोटी छोटी पत्तियों से वृक्ष की पत्तियों के झुरमुट को बनाया गया है। और सखाएं उनके साथ में जो सखाएं हैं सभी के हाथों में संगीत के वाद्य यंत्र हैं और सभी मिलकर संगीत का आनंद ले रहे हैं। अग्रभूमि पर यमुना नदी है, ये देखिए इस तरह यमुना नदी का किनारा भी बनाया गया है। और मैं अगली पेंटिंग आपको दिखाती हूँ, ये भगवान शिव पार्वती और गणेश, और ये नंदी की आकृति है, साथ में नंदी भी हैं। ये राजा मानसिंह हैं जो कि भगवान शिव के भक्त हैं और वो भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़े बनाए गए हैं। पीछे की आकृति में गहरे हरे रंग की पृष्ठभूमि पर हल्के हरे रंग से छोटी छोटी पत्तियां बनाई गई हैं। केले के पेड़ हैं और अन्य आकृतियां भी दिखाई दे रही हैं। और सबसे ऊपर आसमान का थोड़ा सा भाग बनाया गया है, गहरे नीले रंग के आसमान में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बादल बनाए गए हैं। अगला पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, अधिकांशतः राजस्थानी कला शैली में भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने हैं और भगवान राम से संबंधित चित्र भी बने हैं अधिकांशतः, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के सभी प्रकार के चित्रों का निर्माण राजस्थानी कला शैली में रहा है, किंतु कृष्ण का चित्रण सर्वाधिक प्रिय रहा है राजस्थानियों को। तो इसमें होली का दृश्य है, भगवान कृष्ण एक ओर से गुलाल और रंगों की वर्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर से राधा अपनी सखियों के साथ गुलाल की वर्षा कर रही हैं। और यह चित्र दो भागों में बनाया गया है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, दोनों ही भाग में होली का दृश्य है और छोटी छोटी मुद्रा में हमें भवन का निर्माण भी दिखाई दे रहा है। मार्बल के भवन होने की वजह से अधिकांशतः भवन यहाँ सफ़ेद रंग के बनाए जाते हैं। बच्चों इसमें एक विशेषता, आप बालकनी भी देख सकते हैं, बालकनी को कितनी छोटी छोटी डिजाइंस और जाली के साथ बनाया गया है, अत्यधिक सुंदर वर्क है। इसमें कुछ लिपि कार्य भी किया गया है जो कि ऊपर हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, लेखन कार्य ये लिपि वर्क है। प्लेन बॉर्डर है इसका, राजस्थानी कला शैली में प्लेन बॉर्डर हमें देखने के लिए मिलता है। और इसमें भगवान गणेश अपनी चूहे की सवारी के साथ उपस्थित हैं। गणेश के को चार हस्त से युक्त बनाया गया है और उनके हाथों में उनके विशेष आयुध हैं और उनकी जो गहने हैं ज्वेलरी है उस पर गोल्डन कलर का प्रभाव दिखाई देता है राजस्थानी कला शैली में। मुगल प्रभाव में आने से वहाँ रजत और स्वर्ण रंगों का, गोल्डन और सिल्वर कलर्स का भी प्रयोग किया गया था। इसमें गणेश को ऑरेंज कलर का बनाया गया है। तो बच्चों इसी तरह आप भी राजस्थानी कला शैली का एक चित्र बना सकते हैं। ये कोर्स ऑफ स्टडी में भी है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। गुड लक स्टूडेंट्स टू मेक द राजस्थानी पेंटिंग।